क्या होता है कि लाइफ में ना एक सम एकदम से कुछ मिल जाता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है मेरे को हंड्रेड डेज पे मिल गया है ना इतने व्यू आप इमेजन नहीं कर सकते जो बंदा छः साल सात साल से वीडियो बना रहा है उसके आ रहे हैं तीन सौ व्यूज़ अब उसके आ रहे हैं तीन मिलियन व्यूज़ एकदम से तो वो कॉमेंट्स का और जो बोझ होता है ना आप कुछ भी बोलो वो दबा देता है आपको कुछ भी कर लो आप दबा देता है तो मेरे को लाइफ में ये नहीं है बहुत पैसे कमाने हैं कमा लेंगे वो उसका स्ट्रेस ही नहीं है मेरे को मेरे को है कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना मैं उसको एज अपना पर्सनल फिल्म ट्रीट करता हूँ तो जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए कहीं ना कहीं अंदर वो है कि अगर आपने वीडियो देख के मेरा ये बोला कि यार मजा नहीं आया तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार और जिसमें मैंने मेहनत नहीं की उसमें ठीक है उसमें मेरे को पता है कि हाँ क्या है जिसमें मैंने मेहनत की दिल से बनाया और किसने बोल दिया कि मज़ा नहीं आया चाहे उसने देखा भी ना हो तो बुरा लगता है तो वो सेंस में मेरे को थोड़ा काफ़ी चीज़ें ना परेशान करने लगी थी ये सोशल मीडिया की दुनिया में मैं नया नया ही था और वो अंदर से खा रही थी बहुत ज़्यादा तो तब एक सेंस में मैं भैया जो है मेरे उनसे मैं बात किया सचिन भाई जैसा मैं बताता हूँ हाँ उन्होंने रिकमेंड किया कि जाओ जरा थोड़े दिन चल के आओ फिर मैं गया वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था और कहीं ना कहीं उसी यात्रा से ये गंगा यात्रा का होती क्या यात्रा जिन्हें नहीं पता तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी बहती है जहाँ की जिसकी शुरुआत अमरकंटक से होती है अमरकंटक के अंदर वहाँ से लेके अब परिक्रमा का कॉन्सेप्ट जैसे आप समझते होंगे कि एक सर्कल आप बोल सकते हैं आपको नदी के किनारे लगाना है अब आप प्रॉपर तरीके से परिक्रमा करेंगे नदी की तो आपको चाहिए तीन साल तीन महीने तेरह दिन प्रॉपर तरीका होता है आपको रिचुअल सुबह भी आपको एक पूजा करना होता है शाम को भी पूजा करनी होती है और आप लिमिटेड किलोमीटर ही एक दिन में चलते हैं एंड देन जब मानसून आ जाता है तो आप बंद कर देते हैं यात्रा इस तरह से आप करेंगे तो तीन साल लगेगा और लोग कहते हैं कि जो भी इच्छा है आपके मन में चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो चाहे मन की शांति चाहिए चाहे कुछ भी बनना है कुछ भी चाहिए आप परिक्रमा करोगे आपको मिल जाएगा तो इस अब लोग किस लिए करते हैं कि

आपको वो मेंटेन रखना तो मैंटेन रख का उत्तर ही आया कि एक यात्रा करो नर्मदा की हाँ एक एक डायरेक्शन मिली कि ये करके देख सकते हैं और करना भी है क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत तो शहरों में तो नहीं बसता है आप अंदर जाएंगे तो बहुत अलग वो एक्चुअल इंडिया दिखता है ये तो पूरा इन्फ्लुएंस होके कहीं से भी घुचड़ मुचड़ हो रखा है जो शहर हैं वो नहीं है वो अभी भी अनटैप्ड है काफ़ी सारे एरियाज तो वहां पर आपको जाके दिखती हैं चीजें एक मिलता क्या है क्या नया दिखा यात्रा में क्या एक नया दिल्ली दिखा? के लड़के को जिसने गांव देखे ही नहीं थे के, के, <laughs> किसी चीज की घाई है नहीं हम फालतू में घाई लगा के बैठे हैं और अपने आप को इतना सीरियसली लेने लेना ही नहीं चाहिए मैं कोई बड़ी तोप चीज नहीं हूँ ना मैं बनना चाहता हूँ तो बहुत ही बहुत ही रियल लोग वहां मेरे को दिखे जो शहरों में नहीं दिखते हैं तो वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं लाइफ में जो लोग अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ सब कुछ होने के बाद भी हम और की इच्छा रखते हैं रोते रहते हैं वो सब चीज़ें हैं तो एक कंटेंट की फीलिंग होती है मन में वो मेरे को वहाँ समझ आई और जब से मैं उस जर्नी से आया हूँ हो गया मेरा सीन बहुत सही कोई टेंशन नहीं उसके बाद से लोग ये देख के परेशान भी थे कि ये छोटा सा लड़का शहर का ये क्यों नर्मदा यात्रा कर रहा है क्योंकि अक्सर उन्होंने साधु संत महात्मा अधेड़ लोगों को देखा होगा परेशान नहीं थे वो क्यूरियस हो गए और फिर शायद एक हमारा इंसिडेंट हुआ था मैं एक गांव में था और वहाँ छोटी सी बहुत छोटी दुकान थी चाय की मैं वहाँ चले गया और वो मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि नहीं शक्ल से नहीं लगता कि ये यहाँ पर घूम रहा क्यों घूम रहा है भाई तू यहाँ पे वो पूछेंगे तो उन्होंने पूछा क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पर मैंने कहा मेरा कोई गाँव नहीं है और मैं गाँव देखने आया आऊँ और न, नर्मदा जी के साथ यात्रा कर रहा हूँ तो पता नहीं उनको क्या हुआ बहुत इमोशनल हो गए ऑलमोस्ट ऐसा रोज आएंगे अभी हो गए कि मैं तो यहाँ पला बढ़ाऊँ मैं कभी नहीं मैया के साथ चला दस किलोमीटर बीस किलोमीटर तुम दिल्ली से आगे चल रहे हो ये तो मेरे लिए शर्म की बात है मतलब वो आदमी बोल रहा है कि ये मेरे लिए शर्म की बात है पर फिर उसने मैंने कहा भाई ऐसा सीरियसली मतलब इतना मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ मैं अपना मैं भी आप समझो ऐसी आया हूँ बोले नहीं वो माने ही नहीं कि नहीं तुम कर रहे हो मैंने बोला मैं पूरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो एक हफ्ते के लिए कर रहा हूँ सौ किलोमीटर कर रहा हूँ खाली विच इज नथिंग क्योंकि वो तो तीन हजार कुछ किलोमीटर पड़ जाता है परिक्रमा जब आप करते हैं तो उससे भी लोग करते हैं उसको करते हैं लोग बिल्कुल करते हैं और वो भी अलग अलग तरह की परिक्रमा होती है एक होती है जिसमें आप तट को छोड़ते ही नहीं है तट के किनारे चलोगे बिल्कुल कुछ आ जाए कुछ आ जाए।, 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 जाए तो आप सोचो कितने दिन तक तो कुछ खाने पीने को ही नहीं है तो लोग करते हैं वो बहुत इंटेंस है तो लोगों के अंदर आस्था तो बहुत ज्यादा है तो वो हो गए इमोशनल फिर उन्होंने मेरे को दो चाय और पिलाई और पैसे नहीं लिए इस बीच में आपको एक आश्रम भी मिला ना बोलो माता जी माता जी वो वही उसी गाँव की ये कहानी है उसी गाँव की कहानी है तो वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने और वो था एक ब्रेकिंग पॉइंट लाइफ के अंदर वो हमेशा याद रहेगा मैं बोलता हूँ मैं बोला मैं भूल जाता हूँ वो नहीं भूल रहा मैं इस किताब की शुरुआत में वही मेंशन है वो कोई नहीं भूल सकता वो नहीं भूल सकता जब कोई शहर का लड़का यात्रा कर रहा है उसके पाँव में छाले पड़ गए वो अपने घर से दूर है कोई सुविधा नहीं है एक तो वह यही एडजस्ट कर रहा है कि नीचे सो रहे हैं जहाँ मिल रहा है जैसे खा रहे हैं और फिर कोई बिल्कुल जैसे आप जानते नहीं वो महिला आए आपके पैर के घाव खुद धो रही है है ना मरहम लगा रही है, रही है खाना खिला रही है खाना खिला रही है आँखों में जो प्यार दिखाना वो क्योंकि कुछ भी ट्रांजैक्शनल नहीं था वहाँ पे कुछ गिवेंट टेक नहीं हो रहा है कोई मेरे लिए किसी एक्स वाई जेड रीज़न से नहीं कर रहा है अभी शायद लोग मेरे से हंस के बोल रहे कि ये यूट्यूबर है या फिर ये एक्स वाई जेड बंदा है उनको कोई मतलब नहीं है उनके लिए मैं बस उनका एक बेटा हूँ तो वो एक बहुत बहुत सही फीलिंग थी मेरे को लाइफ में दो बारी दिल के अंदर अपने एक चमक महसूस हुई है मतलब सरीन एट पीस एक मोमेंट और था और ये दूसरा मोमेंट था जब मैं उस बस से निकला वो मेरे को पहली बात तो वो गांव था तो उसमें डायरेक्ट बस आपको जबलपुर की नहीं मिलती तो पहले वो गांव से मेरे को एक बस पे मेरे साथ खुद बैठी मेरे को कहीं छोड़ा उन्होंने वहाँ से दूसरी बस में बिठाया मैं चले जाता अकेले कोई वो थोड़ी है बट नहीं उनको है नहीं हम आपको बिठाएंगे तो। जहाँ तक हो सकेगा हाँ साथ जाएंगे तो वो वहाँ तक गए और जब मेरी बस चली तो वो रो रही थी वो रोने लगी और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया कि ये क्या है तो वो चीज़ था तो तब तो मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा जो एन्जाइटी खाई जा रही थी मन में गायब इरेलीवेंट है वो चीज़ें मतलब इरेलीवेंट है वो चीज़ें